डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू यू केडी क्लासेज। देखें आप सब, भाग दो है। तेषां स्वपरिवार जननम उत्तरम आकर्य सो अतीव वेषणो भवत्। तेषां तद शब्द षष्ठी विभक्त बहुवचन, उन अपने परिवार के लोगों के उत्तर को आकर सुन करके सो अतीव विष्णु भवत, वह बहुत दुखी हुए। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य शीघ्र ही मुनि श्रेष्ठ के पास पहुंचकर सर्वम च तत् परिवार जननम आख्यातम आसाव भासत। अपने परिवार के लोगों के द्वारा दिए गए प्रति उत्तर को उन्होंने बता दिया। परम निर्विणम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय परम निर्विणम बहुत ही दुखी उन्हें मुनि ने तस्य हृदय शोक समनाय उनके हृदय के शोक की शांति के लिए राम इति जप तुम आदिशत। राम ऐसा जपने के लिए आदेश दिया। तस्य षष्ठी विभक्त एक वचन तद शब्द है पुलिंग। हृदय शोक समनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। राम इति जप तुम उपाधि सर। राम ऐसा जपने का उपदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अक्षम स्ववृत्त्यानुसारम मरा इत्येव जप्तुम आरभत। राम शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ वह वृत्यानुसारम अपनी वृत्ति के अनुसार अपने रोजगार के उनका यही रोजगार था मार काट करना लूटना। अपने रोजगार के अनुसार मरा शब्द जपना आरंभ कर दिया। मरा जपना आरंभ कर दिया। इत्थम असौ इस प्रकार वह
आदर्श शब्द है वह असौ अमी अमु अमी ऐसे रूप चलता है इसका। असौ माने वह, इत्थम असौ बहुवर्षाण यावत समाधव लीन तीव्रम तपस्याचार। इस प्रकार उन्हें बहुवर्षाण यावत समाधव लीन तीव्रम तपस्याचार। इस प्रकार वह अनेक वर्षों तक समाधि में लीन होकर के तीव्र तपस्या किए। चचार लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तपसि रतस्य तस शरीरम तपस्या में लीन उनका शरीर वाल्मीक मृतिकाभिः आवृतम जातम। दीपक दीमक की मिट्टी से चारों तरफ से घिर गया, ढक गया, अथ कदाचित इसके पश्चात कभी प्रचेतसा निरंतर जलधारया। प्रचेतसा भगवान वरुण के द्वारा निरंतर जल की धारा से तस्य शरीरात उनके शरीर से वाल्मीकि मृत्तिका परिश्राविता अभवन। दीमक की मिट्टी धुल गई, मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम। मिट्टी हट जाने के कारण, मिट्टी धुल जाने के कारण उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संसुतो अभ्यर्थितस्य। तत्पश्चात मुनिभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन, मुनियों के द्वारा संस्तुतो स्तुति किए जाते हुए, अर्चना किए जाते हुए चक्षुषी उन्मील्योदतिष्ठत दोनों नेत्र खोलते हुए उठ बैठे। वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात् मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि रीति वाल्मीकि प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिशुद्धत्वात् वरुण के द्वारा जल की धारा से मिट्टी धुल जाने के कारण प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम् जातम्। इस प्रकार उनके दो नाम हुए, एक वाल्मीकि और एक प्राचेतस। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता। रामायण में मुनि ने, मुनि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, मुनि है मुनि 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 भ्याम मुनि भी स्वपितु अपने पिता का नाम प्रचेता। तस्य दशमः पुत्रो अहम्
उनका दसवां पुत्र मैं हूँ एथम उल्लेखे, ऐसा उल्लेख किया है। यथाच जैसे प्रचेतसो अहम दसमः पुत्रो राघवनंदन, हे राघवनंदन प्रचेता का मैं दसवां पुत्र हूँ। अथ कदाचित इसके पश्चात कभी स ब्रह्मर्षे नारदात, वह ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य लोक कल्याण करम, भगवान राम के लोक कल्याणकारी व्रतम सुस्राव आचरण को सुना। तदा प्रभृत्येव, तभी से लेकर या तभी से रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते अस्मि, रामचरित को काव्य में बद्ध करने की इच्छा मन में लिए, तभी से इन्होंने भगवान राम के चरित्र को काव्यबद्ध करना चाहा। दूसरा अनुवाद हुआ इसका, अथाय कदा इसके पश्चात एक बार वृद्ध स्वर संधि है अथाय कदा में महर्षि माध्यन्दिन समनाय प्रयाग मंडलांतर्गतां तमसा नदीं गच्छन् आसीत्। इसके पश्चात एक बार महर्षि वाल्मीकि माध्यन्दिन समनाय दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडलांतर्गतां, प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी को गच्छन् आसीत् जा रहे थे। तत्र वनश्रेयम्, वहाँ वन की शोभा को निरीक्षमाणो देखते हुए महामुनि स्वच्छंदम विचरत महामुनि स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को देखा, एक क्रौंच पक्षी को के जोड़े को देखा। मिथुन माने जोड़ा होता है। पश्यता एव तस्य, उनके देखते ही कश्चित पाप निचयो व्याध, कोई पापी बह लिया। तस्माद मिथुनाद एकम बाणेन विजगान, उस जोड़े में से एक को बाण से घायल कर दिया। बाणेन विद्धम महीतले लुंठंतम, बाण से घायल हुए पृथ्वी पर कराहते हुए पृथ्वी पर लौटते हुए सोणित परितांगम खून से लथपथ तम विलोक्य, उसे देख करके क्रौंची करुणया गिरा रुराव, क्रौंची ने
मादा क्रौंची ने करुणा भरी आवाज में रोदन करना प्रारंभ कर दिया। क्रौंच्या करुणा रवम श्रवम श्रवम, क्रौंची की करुणा भरी आवाज को सुन 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 करके मुनि हृदयाल लीने शोकानल परिद्रुत करुण रस, मुनि के हृदय में स्थित शोकानल परिद्रुत शोक रूपी अग्नि से क्षण करके करुण रस इस लोक चलाद लाद इस लोक के रूप में हृदयाद एवं निर्गत हृदय से इस प्रकार निकल पड़ा। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेगमवधीह काम मोहितम्। हे निषाद शाश्वती समा चिरकाल तक त्वं प्रतिष्ठां त्वं प्रतिष्ठां मागम तुम चिर काल तक सुख शांति को न प्राप्त कर सको। हे निषाद शाश्वती समा अस्थाई शांति को चिरकाल तक तुम सुख शांति को न प्राप्त कर सको, यत् क्योंकि क्रौंच मिथुनात् काम मोहितम क्रौंच मिथुनात् क्योंकि काम मोहितम काम क्रीडा में मुग्ध हुए काम क्रीडा में लीन क्रौंच मिथुनात् क्रौंच के जोड़े में से एकम अवधि एक को मार डाला है, इसलिए हे निषाद तुम चिरकाल तक अर्थात अस्थाई समय तक सुख शांति सम्मान समृद्ध को न प्राप्त कर सको। श्लोको एम आमनायाद अन्यत्र छंदसाम नूतरो अवतार है। अयम श्लोक यह श्लोक आमनायाद वेद से हट करके अन्यत्र छंदसाम अन्य छंदों में नया अवतार था। यह श्लोक वेदों से हट करके नए छंद का अवतार था। एवं प्रोतस्त तस्य हृदय महती चिंता बहुत, ऐसा कहते हुए उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई। अहो आश्चर्य है, दुख पूर्वक आश्चर्य प्रकट करने के कारण अहो शब्द का प्रयोग हुआ है। अहो आश्चर्य है, सकुनि शोक पीड़ितेन मया किमिदं व्याहृतम्। पक्षी के शोक से पीड़ित होकर के मेरे द्वारा यह क्या कहा गया, मेरे द्वारा यह क्या कह दिया गया। मया अस्मत्सत तृतीया विभक्ति एक वचन अत्रांतरे इसके पश्चात
वेद मूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा, इसके पश्चात वेद की साक्षात मूर्ति चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा, महामुनिर्भुगम्य सस्मितम उवाच। महामुनि के समीप जाकर के महामुनि के समीप मुस्कराते हुए बोले, महामुनि के समीप जाकर के मुस्कराते हुए बोले, महामुनि आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्म, शरण में आए हुए की रक्षा करना ही श्रेष्ठ लोगों का स्वाभाविक धर्म होता है। इसलोकम ब्रुवता त्वया त्वेष एव धर्मम पालित, इसलोक बोलते हुए तुम्हारे द्वारा तो यह धर्म का ही पालन किया गया। तन्नात्र विचारणा कार्य, यहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी अनुवाद होगा। सरस्वती माँ छंदादेव तई प्रवृत्ता, सरस्वती माँ सरस्वती माँ छंदादेव मेरे छंद के ही माध्यम से तुम में प्रवृत्त हो गई। सांप्रतम यथा नारदाच्युतम तथा तुम श्रीमद्भागवतो रामचंद्रस्य कृष्णम चरितम वर्णय, इस समय सांप्रतम इस समय यथा नारदाच्युतम जैसा मैंने नारद से सुना था तथा वैसा तुम श्रीमद्भागवतो तुम श्री श्रीमद् भागवत रामचंद्रस्य श्रीमान भगवान रामचंद्र की कृष्णम चरितम वर्णय, संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। मत प्रसादात मेरी प्रसन्नता से निखिलम च रामचरितम त्वम विदितम भविष्यति, संपूर्ण राम का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। भविष्यति भूधात लिट रकार प्रथम पुरुष एक वचन, किम बहुना और अधिक क्या कहें। यावन मही तले गिर सरित समुद्रा स्थाचंत, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत समुद्र नदी समुद्र रहेंगे, स्थाचंत अस्थाधातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तावल लोके रामायण कथा प्रचलिष्यति आदेश, रामायण की कथा प्रचलित रहेगी ऐसा आदेश दे करके भगवान अब जयोनि भगवान कमल योनि अंतरहितो अभवत, अंतर ध्यान हो गए। ततो योग बलेन तत्पश्चात योग के बल से नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम्य, नारद द्वारा कहे गए संपूर्ण राम के चरित का आश्रय लेकर के गंगा तमसोर अंतराले, गंगा और तमसा के बीच तट पर सप्त कांडात्मकम सात कांड वाले
रामायणाख्यम आदि महाकाव्यम रचयामास। राम रामायण नाम के आदि महाकाव्य की रचना की। तदनंतरम मुने विश्रामार्थम, तत्पश्चात मुनि के विश्राम के लिए, द्वे आप अपराश्रम अभूताम, दो दूसरे आश्रम हुए। एक चित्रकूटे, एक चित्रकूट में, अपरस्य दूसरा कानपुर मंडलांतर्गत, कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवर्तांत, ब्रह्मवर्तांत नामक स्थान, आधुनिके विठूर नामे स्थाने आसी, आज के विठूर नामक स्थान पर था। अत्रैव लवकुशयोर जनुरभूत, यहीं लवकुश का जन्म हुआ था। एवं आदि कबीर यशसा ख्यातो अभव लोके महामुनि ब्रह्मर्षि। महामुनि ब्रह्मर्षि, यहाँ से देखें, महामुनि ब्रह्मर्षि, महामुनि ब्रह्मर्षि, इस प्रकार एवं इस प्रकार आदि कबीर यशसा, आदि कवि के यश से लोके ख्यातो अभवत, संसार में प्रसिद्ध हुए। चलिए, थैंक यू। अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे।